देखिए इनकी कमेंट है, तो कमेंट कर रहा है इस साइड डैमेज है, तो इसका हम लोग कम्प्लीट करेंगे। तो पूरा प्रोसेस आप लोग देखिए, पेंट पहले पुट्टी प्रोसेस देखिए, फिर पुट्टी के बाद सैंडिंग कैसे होगा, पाइमा कैसे होगा, सब प्रोसेस है। तो देखिए पुट्टी लगाने से पहले हम लोग सैंडिंग करेंगे इसमें, तो हम लोग सैंडिंग कर रहा है अभी। तो ये 80 नंबर गोल्ड इस पेपर से सैंडिंग किया, तो देखिए कितना अच्छा से हम लोग सैंडिंग किया है। तो जैसे करके मैंने सैंडिंग किया है, तो आप लोग भी अच्छा से सैंडिंग कीजिएगा। तो देखिए मेरा सैंडिंग देखिए, सैंडिंग का प्रोसेस देखिए, फॉलो कीजिएगा। तो सैंडिंग बुंदो आप लोगों का जब भी पुट्टी लगाना है, तो सैंडिंग हम लोगों को अच्छा से बढ़िया से करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे करके मैंने किया है, तो आप लोग भी कीजिएगा। तो देखिए पुट्टी सबसे पहले आप लोग दबा के डालिए, सबसे पहले आप लोग पुट्टी दबा के डालिए। देखिए सब जगह में, हर जगह में आप लोग दबा के डालिए। इसके बाद आप लोगों को पुट्टी गड्ढा भरना है। देखिए देखिए अभी पुट्टी का हम लोग गड्ढा भरेंगे, तो ऊपर में भी पुट्टी भरे, उसमें भी भरेंगे। तो पुट्टी का रेशियो है आप लोगों का 100 ग्राम में 2 ग्राम हार्डनर, पुट्टी का रेशियो है। तो देखिए, तो जिस प्रोसेस से मैंने काम किया है, आप लोग भी प्रोसेस देखिए। तो देखिए मास्किंग टेप हम लोग इसलिए दे रहा है, इसका जो लाइन कॉज है इसको निकालना है अच्छा से, तो इसलिए हम लोग मास्किंग टेप देंगे। जब भी आप लोग मास्किंग टेप देंगे पुट्टी करेंगे, तो आप लोगों का लाइन कॉज अच्छा से निकल जाएगा। आप लोग देखिएगा, देखिए लाइन जो है अच्छे से निकल जाएगा अभी। देखिए फॉलो कीजिए, अच्छे से निकल जाएगा। तो देखिए फॉलो कीजिएगा, हर जगह में आप लोग अच्छे से डालिए पुट्टी मेकअप। तो देखिए ऊपर का जो लाइन है उसमें हम लोग पुट्टी दे रहा है, क्योंकि इसका लाइन जो है वो बराबर से मिल जाए, तो बराबर से सब जगह में आप लोगों को मिलना पड़ेगा। तो आप लोग गड्ढा जो है वो अच्छे से भरिएगा पुट्टी। तो देखिए मास्कंडे हटा लिया, देखिए इसका लाइन कॉस्ट कितना अच्छे से निकल गया। फिर अभी क्या करेंगे, नीचे में देंगे, तो नीचे में देने से क्या होगा, आप लोगों का कॉस्ट और भी बढ़िया से निकल के चला जाएगा। देखिएगा तो देखिए फॉलो कीजिए। तो प्लास्टिक का फाइबर है, ऊपर में जो राउंड है उसमें स्टील का फाइबर उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए प्लास्टिक फाइबर आप लोग यूज कीजिए। तो अभी क्या है, अभी रबर फाइबर से आप लोग पुट्टी डालेंगे। देखिए तो रबर फाइबर से पुट्टी, देखिए अभी देखिए लाइन कॉज निकल गया है। तो अभी पूरा पुट्टी का मेकअप कर देंगे, टान के देखिए फॉलो कीजिए। देखिए पूरा जो पुट्टी है, पूरा रबर फाइबर से पुट्टी को टनेंगे हम लोग। तो ड्राई कोट है, तो जब भी आप लोगों का सैंडिंग करना है तो ड्राई कोट यूज कीजिए। ड्राई कोट यूज करने से आप लोगों का पुट्टी बहुत अच्छा से सैंडिंग होगा, बढ़िया से सैंडिंग होगा। तो देखिए अभी गाइड कोट हमने लगा दिया है अभी, तो गाइड कोट का हम लोग क्या करेंगे, अभी सैंडिंग करेंगे वो 80 नंबर गोल्ड इस पेपर से। एक एक स्टेप में एक एक पेपर यूज होगा, पहले आप लोग 80 नंबर यूज कीजिए, फिर उसके बाद 120, उसके बाद 180। तो देखिए तो 80 नंबर से पहले हम लोग सैंडिंग करेंगे। तो पुट्टी के देखिए कितना अच्छा से बढ़िया से हमने सैंडिंग किया है, तो आप लोग भी सैंडिंग कीजिएगा। पूरा प्रोसेस देखिए फेंडर में, इसमें कलर करके भी आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग जी कितना अच्छा हुआ है। तो एक गोल राउंड पैड है, इसका गोल राउंड पैड होता है, जो राउंड जगह है उस राउंड जगह मारने के लिए ये पैड। आप लोगों को किसी का पास डीलर है जो थीम का, तो थीम में मिल जाएगा। किसी के पास जो उट का डीलर मिलेगा, तो उट का डीलर में मिल जाएगा। तो देखिए अभी हम लोगों को लग रहा है जी वहाँ पे कोई सेटिंग करना जरूरी है, तो इसलिए हैंड ब्लॉक लिया गया। हमें हैंड ब्लॉक से सेटिंग होगा। देखिए तो हैंड ब्रश से आप लोग अच्छा से सैंडिंग कीजिए, जैसा कि मैंने किया है आप लोग भी कीजिएगा।
कोशिश कर देखिए आप लोग, इसमें आप लोग कलर भी करेंगे, कलर करने से आप लोगों को मालूम भी मालूम चलेगा जो फिनिशिंग मेरा कैसा हुआ। तो देखिए अभी 120 फाइल पे मैं सेटिंग करेंगे हम लोग, ड्राई कोट लगा लिया। अभी ड्राई कोट लगाने के बाद आप लोगों को 120 से सेटिंग कीजिए। ये फाइल पे पहले 120 फाइल पेपर है। तो यहाँ पे सैंडिंग होने के बाद आप लोग 180 व्यवहार कीजिएगा, यूज कीजिएगा। तो सैंडिंग देखिए, तो 180 फाइल पेपर है, 180 से आप लोग सेंडिंग करेंगे। देखिए तो किसी को कुछ जानना है कलर के बारे में, पुट्टी के बारे में, तो प्लीज कमेंट में आप लोग बताइए आप लोग। और 20 दिन से आप लोग जो है वो अच्छा से काम करेंगे आप लोग, बिजनेस देख के काम कीजिए। देखिए अभी जो हम लोग मशीन टेप यूज कर रहा है तो इस किस लिए कि किसका लाइन कॉज अच्छा से निकल जाने के लिए मशीन टेप यूज कर रहा है अभी। तो आप लोग भी यूज कीजिएगा मशीन टेप। देखिए जैसे करके मैनेज किया है इसको मशीन टेप को, तो आप लोग भी कीजिएगा। तो देखिए तभी गोल राउंड पैड जो है, गोल राउंड पैड देके अभी जो है अभी ऊपर में सैंडिंग करेंगे। तो देखिए सैंडिंग को देखिए अच्छा से, गोल राउंड पैड देखे हम लोग देख देख के सैंडिंग कर रहे हैं, कौन सा जगह में सैंडिंग का जरूरी है। तो देखिएगा आप लोग, फॉलो कीजिएगा। किसी भी जगह पे छूटना नहीं चाहिए आप लोगों को। तो जब भी सेंडिंग किया है आप लोग तो देख के कीजिएगा जो जहाँ पे लाइन क्रॉस है। और एक चीज याद रखना, जो मास्किंग टेप लगाया हमने तो उसका ऊपर कभी 120 पेपर से यूज मत कीजिएगा। हाँ आप लोगों को यूज करना है आप लोगों को 180 बा 320। हाँ बीच बीच में हाथ दे के चेक कीजिए आप लोगों का सैंडिंग कैसे हो रहा है। तो देखिए फॉलो कीजिए, सैंडिंग आप लोगों का जितना भी अच्छा होगा तो आप लोगों का कलर भी उतना ही बढ़े होगा। तो देखिए अभी लाइन कॉस्ट को फॉलो कीजिए। तो देखिए लाइन क्रॉस कितना अच्छे से निकल गया है। तो देखिए फॉलो कीजिए, मेरा सैंडिंग हो गया। अभी जो ऊपर का कॉच है उस कॉच को मिला रहा है हम लोग। देखिए सेम टू सेम कॉच को भी आप लोगों को मिलाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने मिलाया तो आप लोग भी मिलाइए। तो यार देखिए थोड़ा क्लीन कर लीजिए, क्लीन के बाद आप लोगों का प्राइमर का प्रोसेस दिखाएंगे अभी हम लोगों को आप लोगों को। तो देखिए फॉलो कीजिए, अभी प्राइमर होगा। देखिए तो 2K पैमर है मेरा, तो 2K पैमर आप लोगों को 2 गुड में मेकअप करना चाहिए। देखिए तो देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग हुआ है, सेंडिंग भी अच्छा हुआ है। तो आप लोग भी मेरा प्रोसेस व्यवहार कीजिए। आप देखिए कितना अच्छा से बढ़िया से निकल गया है। देखिए फॉलो कीजिए, अभी पैमर सेंडिंग होगा। तो पैमर सेंडिंग करने के लिए ड्राई कोट लगा दीजिए थोड़ा। तो देखिए पैमा सैंडिंग हो रहा है अभी 400 नंबर गोल्डिस पेपर से हो रहा है, 400 गोल्डिस पेपर से आप लोग सैंडिंग कीजिए पैमा को।
और पायमाल के बाद जो एरिया रह जाएगा उसमें आप लोग 1000 नंबर ऑर्डर नंबर से मार दीजिए, बस आप लोगों का पायमाल फिनिशिंग कंप्लीट। तो देखिएगा आप लोग फॉलो कीजिए। तो अभी रेडी है मेरा सैंडिंग, तो अभी हम लोग टेपिंग करेंगे। टेपिंग के बाद इसमें कलर प्रोसेस करेंगे। तो पहले आप लोग टेपिंग देख लीजिए अच्छा से, जैसे कि मैंने किया है तो आप लोग भी अच्छे से कीजिएगा। किसी भी जगह पे टेपिंग छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई जगह पे टेपिंग छूट गया तो उसमें कलर जाने से फिर आप लोगों को कलर करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग टेपिंग जो है वो थोड़ा देख के कीजिएगा, टेपिंग थोड़ा आप लोग देख के कीजिए। तो किसी को कुछ जानना है पायमाल के बारे में, टुके पायमाल के बारे में, पुट्टी के बारे में, तो कमेंट में आप लोग बोलिए हमको। तो देखिए इसको बोलता है ओपी स्टूल, ओपी स्टूल देखिए पूरा गाड़ी को कवर करके आप लोग कलर दीजिएगा तो जल्दी होगा। तो पहले ओपी स्टूल का जो काटिंग है वो देख लीजिए अच्छे से, आप लोग फॉलो कीजिएगा। ओपी स्टूल है ये, तो देखिए अभी ओपी स्टूल जो है कटिंग होगा। तो कैंची लीजिए, कैंची से आप लोग अच्छा से कटिंग कीजिए रोल को, जो पे प्लास्टिक है उससे अच्छे से कटिंग कीजिएगा किसी से। इसमें क्या होगा आप लोग को जल्दी हो गया। तो ये स्लो स्पीड है, एक चीज़ याद रखना, रंग कलर का पहले आप लोगों को स्लो स्पीड मारना जरूरी है। स्लो स्पीड नहीं मारेंगे तो आप लोगों का कलर कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो देखिए तो अभी कलर हो रहा है, देखिए तो पहले आप लोग साइड में मार लीजिए कलर। कलर आप लोगों को ड्राई कोट मारना है, एक बेस कलर है। देखिए अभी अलग से एक कलर है, सूखने का बार कलर मिल जाएगा। देखिए तो ड्राई हो गया है, अभी दूसरा कोट है। अभी दूसरा कोट है, तो इसको भी ड्राई होने दीजिए। इसके बाद कंट्रोल कोट मारेंगे हम लोग, उसके बाद कंट्रोल कोड है, देखिए फॉलो कीजिए। कंट्रोल कोड क्या होता है? कंट्रोल कोड कुछ नहीं होता है, थोड़ा दूर से मारिए बस, और गांड छड़ा के सो दाना फाले यार कुछ नहीं। कंट्रोल कोड है थोड़ा दूर से सो दाना फाले के मार दीजिए बस, कंट्रोल कोड आप लोगों का कंप्लीट है। तो अभी इसको सूखने के बाद हम लोग जो यूज करेंगे वो क्लियर है। तो देखिए क्लियर का प्रोसेस देखिए, पहले हाफ कोट मार लीजिए उसके बाद फुल कोट, क्योंकि फास्ट क्लियर है। फास्ट क्लियर कोई भी टू कोट नहीं जाता है, डेढ़ कोट जाता है। तो अब फाइनल क्लियर है, देखिए तो फाइनल क्लियर है, फॉलो कीजिए। तो मेरा जो काम है वो कंप्लीट है। तो प्लीज आप लोग बताइए आप लोगों को मेरा काम कैसे लगा एक बार देखिए, और किसी को कुछ जानना है कलर के बारे में तो कमेंट में बताइए। और आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और किसी को जानना है तो कमेंट में बताइए, कमेंट में आप लोगों को बोलेंगे।